हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे लड्डू जिनसे हमारी हड्डियों का दर्द कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कप बादाम लेंगे, एक कप ड्राई डेट्स लेंगे, एक कप अंजीर लेंगे और एक कप सूखा नारियल लेंगे। दो चम्मच गोंद लेंगे और तीन चम्मच सूखी हुई अदरक यानी कि सौंठ लेंगे। तीन कप गुड़ लेंगे जो मार्केट में इजीली पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। 8 से 9 छोटी इलायची लेंगे। 4 कप गेहूं का आटा लेंगे। 3 कप मखाना यानी लोटस सीड्स लेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे, उसके गर्म होने पर उसमें बादाम ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट तलते समय इसे लगातार चलाना होता है जिससे कि एक सा कलर आए। ड्राई फ्रूट्स को तलते समय उसे लगातार चलाना होता है जिससे कि एक सा कलर आएगा। लगातार चलाने से वह जलेगा नहीं। लगातार न चलाने से उसमें जलने की स्मेल आती है। चलिए, बादाम तो फ्राई हो गया है, अब हम नारियल डाल देते हैं। इसे भी लगातार ही चलाना होगा। ड्राई फ्रूट्स तलकर डाल रहे हैं और आटा भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। हम लड्डुओं में घी यूज कर रहे हैं तो इससे ऑयल की स्मेल नहीं आएगी, तो इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए, नारियल को भी प्यारा सा कलर आ गया है। तो चलिए, नारियल भी अब फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। गोंद को लो फ्लेम पर ही तलना है। अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, तो खाते समय हमें चिपचिपा लगेगा। गोंद को तलने के बाद आप इसे एक बार हाथ से दबा कर देखें, एकदम से चूरा हो जाना चाहिए, तभी वह अच्छी तरह से तला गया है। अब हम मखाना तल लेते हैं। इसे भी लो फ्लेम पे ही तलना है। मखाना को भी तलने के बाद इसे हाथ से चूरा करके देखें, अच्छी तरह से चूरा हो जाए इसका मतलब वो अच्छे से लो फ्लेम पे तला गया है। देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर लग रहा है मखानों का। चलिए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में गेहूं का आटा डालेंगे और उसे लगातार चलाएंगे। आटे को अच्छी तरह से सेक लेने के बाद इसमें हम अब सौंठ ऐड करेंगे। 2 मिनट आटे को और भुनेंगे जिससे सौंठ भी सिक जाएगी। आटे को लो फ्लेम पर 10 मिनट तक भुना गया है, इससे उसका बहुत ही अच्छा कलर आया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है।
फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट जो भी तले हुए थे और जो बिना तले हुए थे, उन सब को मैंने मिक्स करके फाइन पेस्ट बनाया है ग्राइंडर जार में। सॉरी, मैं उसका वीडियो निकालना भूल गई हूँ, पर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सब ये ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए हैं। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स और आटा दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि आटे में ज़्यादा घी नहीं है और ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही घी है, तो इन्हें मिक्स करने के बाद ही अच्छा बाइंडिंग होगा। जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, दोनों हाथों से मैश करके और हथेली पर चलाकर इसे मैश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें गुड़ का पाउडर डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को भी मिक्स करने के बाद इसे हाथ में लेकर बाइंड करके देखेंगे। अगर वो अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा घी ऐड करेंगे। इन लड्डूओं में टोटल 2 कप घी लगा है, यानी कि हमने गेहूं का आटा 4 कप लिया था, तो उसके लिए 2 कप घी, आटे का आधा। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट ग्राइंड करते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि हम सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लें। अगर हम एक एक ड्राई फ्रूट अलग से ग्राइंड करेंगे, तो वो ग्राइंड अच्छी तरह से नहीं होंगे। जैसे अंजीर और डेट्स तो बिल्कुल ही ग्राइंड नहीं होंगे, इसीलिए हमें सभी मिक्स करके ही ग्राइंड करना है। लड्डू बनाते समय हाथ में चिपकते रहेगा, इसीलिए उसको चम्मच से निकालते हुए आप लड्डू बनाएं तो आसानी से बन जाएंगे। देखिए कितना प्यारा लड्डू बना है। जो मेजरमेंट से मैंने गुड़ डाला है, उससे कम मीठे लड्डू बने हैं। लड्डुओं में सौंठ भी डाली है, तो इससे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी बनाइए ये लड्डू, और ये लड्डू आपको कैसे लगे मुझसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।